बड़ी खबर, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से आई गुड न्यूज। बायोलॉजिकल पार्क में शेरनी तारा ने शावक को जन्म दिया है। देर रात शावक को जन्म दिया गया। तारा का जन्म भी हुआ था बायोलॉजिकल पार्क में ही। और अब तारा को लेकर गुड न्यूज ये है कि शेरनी तारा ने एक शावक को जन्म दिया है। अच्छी बात यह है कि जो शेरनी तारा जिसने शावक को जन्म दिया है, उसका जन्म भी इसी बायोलॉजिकल पार्क में हुआ था। तो नाहरगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क से गुड न्यूज है। अच्छी खबर ये है कि शेरनी तारा ने शावक को जन्म दिया है। शावक भी स्वस्थ है, शेरनी तारा भी स्वस्थ है, और तारा का भी जन्म इसी बायोलॉजिकल पार्क में ही हुआ था। अब तक एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के लिए प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, लेकिन रविवार को जयपुर में एसआई भर्ती रद्द नहीं करने के विरोध को लेकर भी प्रदर्शन हुआ। ऐसा प्रदर्शन एसआई के सफल अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया था, उनके परिजनों की तरफ से किया गया था। सरकार को चेतावनी दे दी गई है कि हमसे हमारी मेहनत का फल छीना गया तो भर्ती रद्द की गई तो सभी सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। रविवार को एसआई भर्ती को रद्द न करने के लिए लोग शहीद स्मारक पर जमा हुए। यहां परिजन राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षु एसआई के परिजन हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि परीक्षा को रद्द न किया जाए, लेकिन जांच होती रहे जिससे दोषी बचने न पाए, लेकिन इसमें किसी निर्दोष को सजा भी न मिली। 2021 के अंदर टॉप 106 में आया वो, और आज 11 महीने से रात और दिन मेहनत कर रहा है ट्रेनिंग में। उसकी कमर में दर्द, उसकी बुखार तकलीफों को हम जानते हैं कि उसका बच्चा है, ये दादी है उसकी। हम सब लोग इतने भूखे प्यासे, मतलब जो है इतने दिनों से परेशान है, और कुछ लोग इस भर्ती को निरस्त कराने में लगे जो कि न्याय संगत नहीं है। अब बोल रहे हैं रद्द करेंगे तो ये बच्चे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या करेंगे बताओ। ये बच्चा पढ़ता है कौन सी क्लास में बेटा? क्लास में है, 5 साल का है। तो आप क्यों बैठे हो 5 साल की उम्र में यहाँ डिमांड करने के लिए कि रद्द नहीं हो? हमें चाहे सड़क से लेकर सदन तक जाना पड़े, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हमारे बच्चों को अधिकार दिला के रहेंगे। दिसंबर में पास आउट हो जाएंगे, 2.5 महीने के लिए भर्ती कैंसिल कर रहे हैं, ये हमारे साथ न्याय नहीं है। अगर भर्ती कैंसिल होगी ये हमारे साथ महा अन्याय है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो आप रद्द कर देंगे ये उन जो निर्दोष है उनके साथ बड़ा अन्याय होगा, और जो आगे की तैयारियों में लगे हैं भर्ती हुई जो भी वैकेंसी निकलती है उनका भी बड़ा मनोबल टूटेगा। अब तक युवा और बेरोजगार ये मांग करते रहे कि भर्ती पूरी तरीके से रद्द कर दी जाए और फिर नए सिरे से इसको शुरुआत की जाए। अगर ये सवाल बेरोजगार और असफल अभ्यर्थियों के एंगल से देखा जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन सफल अभ्यर्थियों के एंगल से अगर इसे देखा जाए तो उनके परिवार का क्या होगा, जिस पूरे परिवार ने अपने बेटे या बेटी की नौकरी के लिए लगातार संघर्ष किया हो, कई असफल प्रयास के बाद बमुश्किल से अब जाकर उन्हें सफलता मिली हो, लेकिन अब राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उनके खून पसीने और संघर्ष पर कोई गौर ही नहीं कर रहा। हक लेके जाएंगे आप, रोएंगे नहीं तो क्या रोएंगे, दम तोड़ देंगे, मगर मेरा हक चाहिए। न्याय करे सरकार, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है उनका हक, आज उन्हीं लोगों की वजह से हमें यहाँ धरने पे बैठना पड़ा। अगर कुछ लोगों ने ये नहीं किया होता गलत काम तो उसके लिए आज हमको भुगतान नहीं करना पड़ता। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनकी जॉब छूट जाएगी तो फिर बच्चों का क्या होगा? बच्चे शादी योग्य हो गए, हम यही कहते हैं कि दोषियों को सजा दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। यदि आपको वो भी दोषी लगते हैं रहा तो उनकी भी जांच करो। बोले एक बेटी है उसको पढ़ाई लिखाई कराई, छोटे छोटे 3 पोते तो उसको पालने के लिए सब सरकारी सर्विस मिल जाए तो कोई नहीं, तो अब ये सरकार छीन रही तो मैं तो अधिकार ऐसे जानो कि भाई सबको मिले। गलत है मेरी बेटी, गलत है तो पकड़ो। फिलहाल शहीद स्मारक पर परिजनों ने धरना दिया और ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार जब तक यह ऐलान नहीं करेगी कि दोषियों को सजा और निर्दोषों को इंसाफ मिलेगा, इनकी वजह से सफल अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं होगा और भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की जाएगी, तब तक ये यहीं पर बैठेंगे और आमरण अनशन करेंगे। न्यूज 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट।
और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कैबिनेट उप समिति की आज अहम बैठक होने वाली है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पूर्ववर्ती सरकार के 6 महीने के कामकाज की इसमें समीक्षा की जाएगी। सचिवालय में दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि बैठक प्रस्तावित है, जिसमें कैबिनेट उप समिति के सभी मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है राजधानी जयपुर से, कैबिनेट उप समिति की आज अहम बैठक होनी है, जिसमें चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में पूरी बैठक होगी। आपको बता दें कि सरकार जो पुरानी थी, यानी कि पिछली सरकार, उसके आखिरी के 6 महीने के जो कामकाज थे, यानी कि जो योजनाएं बनाई गई थी, जो फ्रीबीज बनाई गई थी, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही है और कहा है कि ये जो फ्रीबीज बांटी गई है वोटरों को रिझाने के लिए बांटी गई थी और इनका कुल मिलाकर अस्तित्व नहीं है, या उनका कहना है कि इस तरीके की योजनाएं बेफिजूली लागू की गई थी, इसी को लेकर समीक्षा की जा रही है। लगातार ये समीक्षा का दौर चल रहा है और आज भी इसी सिलसिले में यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर मन मकान से है ज्वेवर नगदी चोरी मामले में नाबालिग को डिटेन किया गया है। 10 अक्टूबर को जवाहर नगर में बंद मकान में चोरी हुई थी। नाबालिग से जेवर और करीब 1,62,000 की नकदी को भी बरामद कर लिया गया है। 20 सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने खंगाला और आखिरकार अब नाबालिग तक पहुंची है पुलिस। थानाधिकारी विक्रम तिवारी की बड़ी कार्रवाई है, बड़ा एक्शन है। बंद मकान से ज्वेलर और नकदी चोरी मामले में बड़ा अपडेट ये कि नाबालिग को डिटेन कर लिया गया है। उसके पास से चोरी की कई चीजें बरामद की गई हैं, यानी कि ज्वेलरी बरामद की गई है और 1,62,000 की नकदी भी बरामद की गई है। बड़ी बात ये रही कि 20 सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने खंगाला और आखिरकार इस चोर तक पुलिस पहुंची।